देते हैं। थैंक यू। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले समझो इनवर्स होता क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया, लाइक गिवन है, मानो आपको ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स आप लेट करो या आप यूज करो जिससे ए बी इज इक्वल टू आई आए और बी ए इज इक्वल टू आई आए, दोनों तरफ से आई आना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी इज इक्वल टू आई और बी ए इज इक्वल टू आई आता है, इम्प्लाइज बी इज इक्वल इनवर्स मैट्रिक्स। नाउ हाउ टू फाइंड बी, बी को निकाले कैसे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इश्यू तो बोल सकता है। बिकॉज अब लास्ट टॉपिक है, उसके बाद बस फिर एग्जाम्पल शुरू हो जाएंगे। तो अगर किसी को कोई भी इश्यू है तो इस बोलो। नाउ किसी को कोई क्वेरी नहीं है मुझे लगता है। देखो नाउ व्हाट इज ए इनवर्स, आई सेड बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए व्हिच इज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। आई होप क्लियर है। नाउ ऐसा करो, ये आवाज किसकी आई, आवाज
हो गया सबका कॉपी। ललित दिख लिया क्या बेटा? थोड़ा बड़ा लिखें। ठीक है, बड़ा लिख देंगे आपसे और थोड़ा सा। कितने बच्चे हैं क्लास में? नौ बच्चे। आकाश, अभिषेक, अमनप्रीत, खुशी, कृष, ललित, निकिता और रवि कुमार एंड शालिनी। अभिषेक सैनी नहीं दिख रहा इसमें। बच्चियां सारी हैं, लड़कों में एबसेंट है ना? ठीक एग्जाम्पल नंबर वन। इफ मैट्रिक्स ए देखो, इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ा बता पाऊँ, तो कुछ एक चीज़ें मैंने डायरेक्ट लिखवाई हैं और कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं अभी ड्रॉप आउट करा रहा हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है, बिकॉज टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, तो मैं लिमिटेड डेटा करा रहा हूँ जो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ वही डेटा करा रहा हूँ मैं अभी। जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तो रिवीजन होगा, तो उस समय हम उनको बाकी के डेटा को हम ले लेंगे, बट अभी ऑनलाइन क्लासेस में हम सिर्फ जो हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, जो कि लिंक करता है, मतलब जिसके बिना हम आगे की स्टडी नहीं कर सकते, मैं सिर्फ वो डेटा बता रहा हूँ अभी। इफ ए इज इक्वल टू दिस, देन पहला क्वेश्चन आपका है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट पॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? मैंने बताया था कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। एफ आई जे क्या है कि बताओ? वन का कोफैक्टर 4, पोजीशन सिंबल पॉजिटिव। 3 का कोफैक्टर 2, पोजीशन सिंबल नेगेटिव, क्योंकि 3 का पोजिशन है ए 12। 12 का मतलब -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2, दैट मीन -1। तो -1 तो पोजिशन सिंबल के आ गया माइनस, और 3 का कोफैक्टर है 2। सिमिलरली 2 का कोफैक्टर 3 बट नेगेटिव। 4 का कोफैक्टर 1 बट पॉजिटिव, बिकॉज 2 2 है। नाउ ट्रांसपोज ऑफ दिस। ललित बेटा इससे बड़ा नहीं लिख सकता मैं। डायरेक्ट लिख दो इसको। ठीक है, हमारी एडजेंट ऑफ ये हो गई, कोई इश्यू यहां तक?
फीवर है अभिषेक के। अच्छा नाउ सेकंड पार्ट। प्रूव दैट ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई टू इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए डॉट ए, ये प्रूव करना है। प्रूव बेटा एडजेंट ऑफ ए हमारे पास है, पहले से ये बना रखा है एडजेंट ऑफ ए। अब मोड़े चाहिए इसके लिए हमें, तो मोड़े निकाल लो। मोड़ ए क्या होगा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन, जगह जगह काम आएगा ये। मोड़ ए क्या है हमारा, ये हमारा हो गया वन मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ 2। आंसर इज 4 माइनस 6 यानी माइनस का 2। यहाँ पे मोड का मतलब मोड फंक्शन से नहीं है, मोड यहाँ पे मॉड्यूलस है इसका, जो कि प्रेजेंट करता है क्वांटिटी या फिर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो आप लोग इसको कहीं पॉजिटिव कर दो तो ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा वैल्यू, ध्यान रखना। अब ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए ये आप करना जानते हो। मोड ए आपको मैं बता चुका हूं, आई टू क्या होता है वो मैं बता देता हूं। आई टू हो या आई थ्री हो या आई एन हो, जितना लिखा हुआ होता है ना यहाँ पे उसका मतलब होता है उतने बाई उतने की यूनिट मैट्रिक्स, लाइक 1 0 0 एंड सो ऑन। लाइक इसको लिख लो 4, तो फोर्थ ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो ये आई का मतलब होता है हमारा। तो अब यहाँ पे आई टू है, तो आई टू का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारी आई टू हो गई। अब मोड ए क्या है हमारा यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा। तो ये तो हमारा एमएचएस आ गया। एलएचएस आप बना सकते हो, ए डॉट एडजेंट ऑफ ए करना है, ए हमारा ये रहा एडजेंट ऑफ ए, हमारा ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली आरएचएस निकालो और तीनों इक्वल आ जाएंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रूव करना था, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं बताऊंगा बिकॉज मल्टीप्लाई करना मैंने पहले दो चैप्टरों में बहुत अच्छे से सिखाया है आपको, तो आई होप कि उसके लिए कोई इश्यू नहीं होगा। फाइंड ए इनवर्स, थर्ड पॉइंट। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, और एडजेंट ऑफ ए क्या है हमारा 4 माइनस 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए हमारा माइनस 2। हर एलिमेंट डिवाइड होगा माइनस 2 से या क्या होगा बताओ। ये मैट्रिक्स है, मैंने शायद बताया था एडजेंट ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है ना कि डिटरमिनेंट है। और जब मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो सारे एलिमेंटों पे आता है इम्पैक्ट, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2 का 4 में डिवाइड -2, प्लस का 3/2, प्लस का 1, माइनस का 1/2। ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री। फोर्थ
फोर्थ पार्ट है प्रूव दैट ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। ठीक है, तो LHS तो ऑब्वियसली आराम से दिख रहा है, इनवर्स ऊपर है। ठीक है, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज आप ट्रांसपोज करना है जस्ट बस। RHS के लिए आप क्या करोगे, ए का ट्रांसपोज, ए आपके पास ये रहा, इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट ऑफ ए। ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, कैसे आएगा इसका, पहले क्या निकालोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले मैं जो वैल्यूज है वो लिख रहा हूँ, लाइक ये आ जाएगी 4, ये हो जाए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग फाइंड कर लेना, 4 1 -3 और 3 का -2, ये एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगी। आप लोग निकालना इसको, पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स फिर उसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आ जाएगा। मॉड ऑफ ए वही सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, इम्प्लाइज्ड ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो जाएगा, नॉड ये ट्रांसपोज का मोड था, ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है हमारा, 4 -2 -3 1 डिवाइडेड विथ -2 विच इज -2 + 1 प्लस का 3/2 माइनस का 1/2। ठीक है, अब देखो LHS RHS इक्वल आ गए ना, सिंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस फ्लो। फटाफट कॉपी करो, नॉर्मली ऑफलाइन में जो क्लास होती है और ऑनलाइन में जो क्लास होती है डिफरेंट होता है। अगर टाइम पीरियड ऑनलाइन भी चलो नॉर्मली पढ़ा लें, टाइम बाउंडेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, टाइम बाउंडेशन हमारे पास ज्यादा है, 40 मिनट्स का टाइम होता है खाली, तो डेटा ज्यादा नहीं करा सकते और सिलेबस भी पूरा कराना है टाइम से। तो पॉइंट इज दैट कि आपको मैं यही कहूँगा, साथ साथ चलो, थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, बाकी क्वेरीज तो मैं सॉल्व कराता ही हूँ आपकी, बट जितना भी अभी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और लिंक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ऐसा डेटा जो आगे लिंक हो रहा है जो हमें आगे पढ़ने में हेल्प करेगा, एंड सेकंड थिंग जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है हम अभी वही पढ़ेंगे, जब ऑफलाइन क्लासेस जाएगी हम तब वो डेटा पढ़ेंगे जो अभी मैं छोड़ रहा हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, फटाफट से कॉपी करो। रवि कुमार सर डन, स्टैंड 33। चलो फिर आज का डेटा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का होमवर्क है आपका, देखो एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 2 सेम है, ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें, एग्जाम्पल नंबर 2 सेम है, बिकॉज नॉर्मली इनवर्स निकालना है, 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है, बाद में 3/3 का मैट्रिक्स है, उसके लिए इनवर्स निकालना है,
तो मेथड वही रहने वाला है, बस थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ए और बी दे रखा है, दोनों का इनवर्स निकालना है अलग अलग, उसके बाद में उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई में ऑर्डर ध्यान देना है, ठीक है ना, और ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालना है। फिफ्थ भी इजी है, आप एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 5.1 कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत होती है, क्वेरीज होती हैं, तो हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास है यानी कि सैटरडे को, उसमें हम वो कंसल्ट करेंगे जो भी आपकी क्वेरी होगी। तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 5.1 और उसके एग्जाम्पल, ठीक है। कोशिश करना, फिर भी कोई क्वेरी होगी तो हम कंसल्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको बड़ी खुशी होगी क्लास खत्म होने की। एक बार नहीं, 3-3 बार आगे जाके बाय बाय बोल रहा कृष, बड़ी खुशी है बेटा आपको क्लास खत्म होने की। एक बार नहीं, 3-3 बार हाथ हिला के बाय। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी कृष? आवाज आ रही है पर बोले सर रिप्लाई नहीं करूंगा मैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, होमवर्क सब कंप्लीट रखना, ठीक है ना। बेटा एग्जिट कर दूं क्या मैं क्लास? हो गया सबका कॉपी? साहब सबको हैप्पी जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान आप सब की मुरादें पूरी करें और आप सबको बहुत सारी खुशियां दें, मुकाम दें, सक्सेस दें, ठीक है। सबको जन्माष्टमी की बहुत बधाइयां।